इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ सेंचुरी, जो इसराइल फिलिस्तीन के लिए एक शांति योजना बताई जा रही थी, उसे रद्द कर दिया है। 57 देशों के सदस्य OIC ने इसे लागू करने में मदद नहीं करने का आह्वान किया है। पैन इस्लामिक निकाय, जो दुनिया भर में 1.5 बिलियन से अधिक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने अमेरिका इसराइल की योजना को खारिज कर दिया है, क्योंकि यह फिलिस्तीनी लोगों के हक को पूरा नहीं करता और शांति प्रक्रिया के संदर्भ की शर्तों का विरोध करता है। जेद्दा में OIC मुख्यालय में विदेश मंत्रियों की एक बैठक ने सभी सदस्य राज्यों को इस योजना से निपटने के लिए, किसी भी तरह से इसे लागू करने के लिए अमेरिकी प्रशासन के प्रयासों के साथ सहयोग नहीं करने का आह्वान किया। बता दें कि पिछले सप्ताह अमेरिकी योजना के तहत इसराइल ने फिलिस्तीनी जमीन पर अपनी अविभाजित राजधानी और बस्तियों के रूप में यरूशलेम के विवादित शहर पर नियंत्रण बनाए रखा। ट्रंप की योजना डील ऑफ सेंचुरी बताती है कि इसराइल अपनी अविभाजित राजधानी के रूप में जेरूसलम के चुनाव लड़ने वाले शहर पर नियंत्रण बनाए रखेगा, लेकिन फिलिस्तीनियों को इसराइल से जुड़े पूर्वी यरूशलम से जुड़ी राजधानी घोषित करने की अनुमति होगी, यानी कि फिलिस्तीनियों का पूरा अधिकार छीन लिया जाएगा। और ट्रंप के प्रस्ताव डील ऑफ सेंचुरी में बची खुची फिलिस्तीनी भूमियों को कुछ इस प्रकार टुकड़ों में बांटा जाएगा कि फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों से ही नहीं बल्कि स्वयं अपने दूसरे क्षेत्रों से संपर्क के लिए इसराइल से अनुमति लेनी पड़ेगी। 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी स्वदेश लौटने का अधिकार खो देंगे और इसराइल के अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले फिलिस्तीनियों का अपनी ही भूमि पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। यह ट्रंप की सेंचुरी डील की एक झलक है और यह फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसे 57 सदस्य राज्यों ने रद्द कर दिया है। OIC ने अपने अरब और इस्लामी चरित्र पर जोर देते हुए भविष्य में भी फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी यरूशलेम के लिए अपना समर्थन दोहराया।